अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिनिश रांझा और आप देख रहे हैं नुक्ता जमाल व कमाल की वीडियो सीरीज़, जिसमें हम बात करते हैं स्किन केयर के हवाले से। हमारी इस वीडियो सीरीज़ का मकसद है कि आपको स्किन केयर और इससे जुड़े तमाम मसाइल के हवाले से आगाही दी जाए। बीइंग स्किन केयर एक्सपर्ट, मैं समझती हूँ कि स्किन केयर के मसाइल पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि बात की जाए स्किन केयर आखिर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि अपनी जिल्द की देखभाल करना कितना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जिल्द के प्रॉपर केयर क्यों ज़रूरी है और ये कैसे की जानी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जिल्द से जुड़े मसाइल के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही मिलती रहे और आप तक हमारी वीडियोस बरवक्त पहुंचती रहें। इंसानी जिल्द को भी अल्लाह ताला ने जान दे रखी है। जिल्द के अंदर सांस लेने की सलाहियत मौजूद है और इसे निगहदाश्त की भी ज़रूरत है। जिल्द की देखभाल करना ना सिर्फ इसकी ज़ाहरी शक्ल को बेहतर बनाता है बल्कि हमारी सेहत को भी। जिल्द हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव और सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसके अंदर हमें सैकड़ों लाखों सेल्स मिलते हैं जो मुस्तकिल तौर पर रीजनरेट होते रहते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसकी अहमियत से वाकिफ नहीं होते। हम में से बेशतर अफराद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तगोदो में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें भी सेल्फ केयर की ज़रूरत है। चलें हम इन अवामिल पर एक नज़र डालते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी जिल्द की हिफाजत करनी चाहिए। खूबसूरत जिल्द की बात की जाए तो खूबसूरत जिल्द आपको जीने का एहसास दिलाती है। कुदरत ने इंसान की नरमो नाजिक जिल्द को बहुत हसास बनाया है। खूबसूरत नज़र आने के लिए सिर्फ चेहरे के मेकअप की ज़रूरत नहीं बल्कि जिल्द की मुनासिब देखभाल और परवरिश भी ज़रूरी है। हमारी जिल्द वो पहली शील्ड होती है जो हमला आवर होने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया समेत मुख्तलिफ अकसाम के जरासीमों से हम बचाती है। अगरचे जिल्द सेहतमंद हो तो वो इन वायरसेस और बैक्टीरिया का डट कर मुकाबला कर सकती है, और अगर हमारी जिल्द अदम तवज्जही का शिकार हो, कमज़ोर हो, तो वो इन बीमारियों का सामना भी नहीं कर सकती और मुख्तलिफ अकसाम के जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर कई ख़तरनाक बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। हमारी जिल्द हमारी अंदरूनी और बैरूनी सेहत को भी रिफ्लेक्ट करती है। ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़ियात हमारे चेहरे और हमारी जिल्द पर आयां होते हैं। अगर हम खुश हों तो हमारी जिल्द भी खिली खिली दिखाई देती है। अगर हम परेशान हों या किसी मुसीबत का शिकार हों तो हमारी जिल्द पर इसके असरात और तरह से आयां होंगे। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो नौजवान और यंग नज़र आए, और ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी मुनासिब देखभाल करें, क्योंकि हमारी बढ़ती उम्र के असरात सबसे पहले हमारे चेहरे और जिल्द पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मुनासिब देखभाल करें तो आप अपनी उम्र से कम नज़र आ सकते हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसे इन्वायरमेंटल चेंजेस का सामना है। ख़ास तौर पर अगर हम लाहौर और कराची में रहने वालों की बात करें तो इन्हें स्मोक जैसे मसले का सामना रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़तरनाक है कि अगर आप अपनी जिल्द की हिफाजत नहीं करते तो फिज़ा में मौजूद धुआँ, जहरीली गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले मादे जिल्द के कैंसर का सबब बन सकते हैं। खूबसूरत और सेहतमंद जिल्द आपके एतमाद में इजाफे का बायस बनती है, जो कि आपको अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ का मौका देती है, जबकि ख़राब और बीमारियों का शिकार जिल्द आपकी खुद एतमादी को तबाह कर देती है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में हर चीज़ में मिलावट है। दूध से लेकर सब्जियों तक, केचप से लेकर मायनीज तक, हर चीज़ में दो नंबरी है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारी स्किन को बुरी तरह से डैमेज करता है, और अगर आप स्किन की मुनासिब देखभाल नहीं करते तो कई किस्म के जल्दी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां जंक फूड के बहुत शौकीन होते हैं। बर्गर, शॉर्मे, पिज्ज़ों समेत फ्राइड चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑयली और तली हुई चीज़ों का सबसे पहला मनफी असर जल्द पर पड़ता है। एक्नी, कील मुहासे और छाइयों का सबब बन जाता है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और स्लीप साइकिल ठीक ना होने की वजह से नींद की कमी एक मसला बन चुका है जो हर किसी को दरपेश है। नींद की कमी के वाज़ेह असरात चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं।
ब्लैक सर्कल्स आपकी ज़ाहरी खूबसूरती की तबाही का सबब बनते हैं, और अगर इसके साथ साथ जिल्द की देखभाल भी छोड़ दी जाए तो मामला और भी संगीन हो सकता है। सेहतमंद फ्रेश जिल्द के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से जिल्द डिहाइड्रेटेड हो जाती है और थोड़ी सी लापरवाही भी जिल्द की रौनक छीन सकती है। हमेशा कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ एहतियाती तदाबीर अपना लें और स्किन केयर को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, तो हम बहुत सारे बीमारियों, इनसे पैदा होने वाले मसाइल और इन बीमारियों के इलाज पर लगने वाले खर्च से बच सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जिल्द की हिफाजत क्यों ज़रूरी है। इस सीरीज़ की आइंदा वीडियोस में हम बताएंगे कि आप अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, बढ़ती उम्र के असरात को कैसे ज़ाहिल कर सकते हैं, और हमेशा यंग और फ्रेश कैसे नज़र आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए जल्दी मसाइल से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हम इन सवालात का जवाब देंगे।